हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ठीक है। जैसा कि देखिए, हम अब आपके सामने हर रोज़ एक नया एक वीडियो लेकर आते हैं पैडागोजी का जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत बेनिफिट होता है। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि यदि आप यदि सही ढंग से यदि इसकी तैयारी करते हैं तो हमें 101% गारंटी है कि आप अपने एग्जाम में सफल हो जाएगा। ये मैं इससे पहले EBS कंटेंट का मतलब 20 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जो NCERT बेस्ड है, जो क्या है, NCERT बेस्ड है, यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उस मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसे देखिएगा, ठीक है। और यदि आपको बेनिफिट मिले या आप यदि कोई कमी लगे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर क्या कीजिएगा, आप अथी कीजिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा, मैं उससे अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ये आपका पैडागोजी का है। पैडागोजी का कितना है ये आपका पैडागोजी का लगभग ये पार्ट 4th रहेगा। कितना रहेगा ये? पार्ट 4th रहेगा। इसे पैडागोजी का मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं अपलोड कर चुका है। लाइन बाय लाइन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यदि आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहले दिया हुआ है यहाँ पर कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड, यानी कि आत्मनिरीक्षण। क्या होता है आत्मनिरीक्षण? यानी कि कहने मतलब क्या है, आत्म इन जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है प्रोपाउंडेड बाई ई बी टिट चेनियर जो थे, इसके खोजकर्ता थे, इसको इन्होंने बताया था, इन्होंने बनाया था। और जो किसके थे, जो स्टूडेंट ऑफ डब्ल्यू ऊंट के थे, जो वो किसके शिष्य थे, किसे छात्र थे, स्टूडेंट ऑफ डब्ल्यू ऊंट के थे, ठीक है ना। फिर बोला है सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी इसमें क्या आता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, जो आत्म सेल्फ माने क्या होता है, अपने आप से क्या करना, मेहनत करना या अपने कुछ सीखना या ऑब्जर्व करना, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, और क्या होता है इसमें, क्या होता है मतलब विस्तृत रूप से मतलब कुछ जानकारी हासिल करना या सब्जेक्टिव मेथड ऑब्जर्वेशन करना। डिफरेंट ओपिनियन, और उसका ओपिनियन क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और इसका क्या होगा, डिफरेंट इंडिविजुअल होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर सब्जेक्ट प्रयोज में एंड इन्वेस्टिगेटर इज सम पीपल, यानी क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब करने का मतलब क्या है, कि वह चीज़ जो किसी पीपल किसी व्यक्ति द्वारा की जाए, ठीक है। अब देखिए ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, और पुराने ज़माने के जो मतलब साइकोलॉजी थे या मेथड थे उसको मतलब ऑब्जर्व करना, ये सब किस में आएगा आपका, ये सब जिसमें भी आएगा आत्मा निरीक्षण में ये सब आ सकता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड में आ सकता है। अब नंबर 2 में दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन मेथड कह सकते हैं या एक्स्ट्रा एस्पेक्शन मेथड इसको कह सकते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है प्रोपाउंडेड बाई जेबी वाटसन, ये कहा था मतलब ये जेबी वाटसन के द्वारा क्या किया था, इसको बनाया गया था। उन्होंने कहा इम्फेसाइज ऑन स्टडी ऑफ बिहेवियर, उन्होंने क्या किया कि बिहेवियर के बारे में या बिहेवियर के बारे में बताया, या स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी वो किससे जाने जाते थे, स्टडी ऑफ बिहेवियर के नाम से जाने जाते थे। नेग्लेक्टेड माइंड एंड कॉन्शियसनेस, यानी कि माइंड जो होगा क्या होगा, नेग्लेक्टेड होगा या जो भी होगा, बिहेवियर के उस क्या सपोर्टर थे, जो ये भी थे जेबी वाटसन जो थे बिहेवियरिज्म के सपोर्टर थे, सपोर्ट करते थे। और बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल, यानी कि बिहेवियर क्या है, एक ऑब्जर्वेबल होता है। जेबी वाटसन ने ही कहा था कि आप मुझे 4-5 बच्चे दे दीजिए, मैं उसे जो चाहूँगा उसे बना सकता हूँ, चाहे वकील बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ या इंजीनियर बना दूँ, मैं उसे जो चाहूँ उसे बना दूँ, मतलब अपने वातावरण के अनुसार उसको बना सकता हूँ। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है या बेनिफिट लगता है, मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।